press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब पे। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूं वो सबकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी है। जी हां, हम बनाएंगे डबल चॉकलेट आइसक्रीम। देखिए इसका टेक्सचर, देखिए आप कितनी क्रीमी और कितनी चॉकलेटी है, और चॉकलेट चिप्स के साथ इसका स्वाद दुगना हो जाता है। देखिए कितना प्यारा टेक्सचर है। तो यही रेसिपी आज हम बनाएंगे, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव, बिना किसी भी स्टेबलाइज़र के, और बिल्कुल नेचुरल आइसक्रीम, नेचुरल तरीके से। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जो व्यूवर्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और ऑल नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। तो देखिए कितनी बढ़िया चॉकलेट आइसक्रीम तैयार है, तो इसी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन, जिसमें मैं डाल रही हूँ एक कप यानी कि 250 ml फुल फैट क्रीम मिल्क। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी कि 1/4 कप शुगर, चीनी। 1/4 कप इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1 tablespoon कॉर्नफ्लावर, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 tablespoon कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं तो पहले हम उसका बेस तैयार करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें ठंडे दूध में ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये सारा मिक्सचर तैयार है, अब हम गैस फ्लेम को ऑन कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए हमें पकाना है जब तक हमें एक गाढ़ा मिक्सचर मिले। इसे 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, तो इसे इस तरह से चलाते हुए ही पकाएं। आप इसे इस तरह से छोड़े ना, नहीं तो कॉर्नफ्लावर जो है नीचे जल जाएगा। तो ये देखिए, ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारा गाढ़ा बेस बिल्कुल तैयार है, काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम्स डार्क चॉकलेट कंपाउंड, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अब मैंने गैस फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, और इसे मिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली ताकि किसी भी तरह के लम्ब्स ना पड़े। तो देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस बेस को अब हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है। ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है और काफ़ी अच्छा गाढ़ा बेस तैयार है। तो यहाँ मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। और अब हम इसे टोटली ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर आने तक। तो एक बाउल में मैं यहाँ ले रही हूँ चिल्ड व्हिपिंग क्रीम, नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम, तो ये 1 कप ले लिया मैंने। और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप और व्हिपिंग क्रीम, यानी कि टोटल 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चिल्ड हो। और अब हम इसे लो स्पीड से हाई तक बीट करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। तो देखिए ये लगभग व्हिप हो चुकी है, इस तरह की पीक्स हमें चाहिए, ना ज़्यादा स्टिफ ना ज़्यादा सॉफ्ट, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1/4 कप कंडेंस मिल्क, ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, अगर आप रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये हमारे चॉकलेट आइसक्रीम का बेस जो टोटली ठंडा हो चुका है, और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से व्हिप कर लेना है क्रीम के साथ। ज़्यादा देर व्हिप ना करें, सिर्फ मिल जाए उतना ही व्हिप करना है।
तो ये देखिए, ये हमारा बेस और क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा टेक्सचर और कलर आया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक स्पैटुला की मदद से, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। क्योंकि देखिए, थोड़ी सी क्रीम नीचे वाइट दिख रही है, तो वो अच्छे से इस बेस में मिक्स हो जानी चाहिए। तो ये हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चोको चिप्स। ये आपकी पसंद के अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमारा आइसक्रीम का, चॉकलेट आइसक्रीम का बेस बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक एयरटाइट कंटेनर में। तो यहाँ मैंने एक कंटेनर ले लिया है, और इसमें मैं अब ये चॉकलेट का बेस डालूंगी। दोस्तों, मेरे चैनल पे चॉकलेट सॉस की भी रेसिपी है, होममेड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो इसे सजा देंगे हम ऊपर से थोड़े चोको चिप्स के साथ, क्योंकि चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, इस तरह से मैं चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हल्का सा एक टैप दे देंगे हम, ताकि कोई एयर बबल्स ना रहें। और अब एक क्लिंग रैप से मैं इसे ढक रही हूँ, देखिए इस तरह से। आपके पास क्लिंग ना हो तो आप एल्यूमिनियम फॉइल या बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से चॉकलेट के ऊपर ऐसे सेट करना है, आइसक्रीम के ऊपर इस तरह से सेट करना है, ताकि इसमें किसी भी तरह की हवा ना जा सके। तो ये सेट हो गया है। अब हम इसे ढक्कन लगाएंगे और फ्रीज़र में सेट होने रखेंगे 10 से 12 घंटे, जब तक कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। वाओ, देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है। ये अच्छी तरह से सेट हुई है और ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। और कितना अच्छी तरीके से देखिए स्कूप निकल रहा है आइसक्रीम का। तो बस इसे इस तरह से सर्व कीजिए। ऊपर से मैं इस पर ड्रिजल करूँगी चॉकलेट सॉस, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप उसे प्लीज़ चेक कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। और अब इस पे डाल दूंगी थोड़े से चोको चिप्स। तो ये हमारी डबल चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार है, क्योंकि इसमें चोको चिप्स है, डार्क चॉकलेट है, चॉकलेट सॉस है, तो हो गया ना डबल चॉकलेट। बहुत ही बढ़िया बनती है दोस्तों, इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय।